सर, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर गीदड़ पे पैर रख के खड़ा हुआ है। ये क्या है यश, अर्जुन ने मार्कस को पकड़ लिया? कमाल है यार, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। हाँ सर, मैं आता हूँ कल और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा काम तमाम कर देंगे। भाई साहब, लाइट चली गई है और अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। मेरा घर पास में ही है, मुझे छोड़ देंगे? कल सुबह बहुत जरूरी काम से निकलना है। आइए आइए। थैंक यू अंकल। एक बात बताइए, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो होने से पहले ही आप नाचते फिर रहे हैं? कल दो लोग मरने वाले हैं भाई। दो लोग मरने वाले हैं और आप खुशियां मना रहे हो? क्यों ना मनाओ। अरे साले कमीने थे दोनों, मेरे गांव आकर मेरा ही बैंक लूट कर चले गए। वही है वही। क्या क्या? नहीं, मेरा मतलब अंकल, आपको कैसे पता चला कि वो दोनों कमीने इसी शहर के हैं? अरे वो बेवकूफ साले अपना बैग छोड़ गए थे मेरे घर में। बैग वही छोड़ दिया? और कल तो दोनों मेरे हाथ लग जाएंगे। बस वो कैसे? फोटो थी ना बैग के अंदर। फोटो भी था बैग में? नहीं यार। नहीं ये ठीक कर रहा है, फोटो बैग में नहीं थी, फोटो तो मेरी आंखों में है। घायल नागिन की तरफ बंद कर लिया है मैंने। सोचता हूँ किसी आर्टिस्ट को पकड़कर उनका स्केच बनवा लूं, लेकिन अर्जुन साहब ने कहा कि। कौन अर्जुन साहब? अरे पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन साहब, बड़े नामी इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, पुलिस रिकॉर्ड में शहर के सारे क्रिमिनल्स की फोटो है। घर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। मेरी फोटो जरूर होगी। रुको 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 बेटा, लगता है मेरा घर आ गया। करेक्ट। इस घर में आप रहते हैं? और वो जो घर दिख रहा है ना, उसमें दो और कमीने रहते हैं। ए बाहर निकलो, साले मेरी लुंगी को लहंगा कहते हो? कल वो इंस्पेक्टर साहब को मिलके तुम्हारी पैंट का मैं स्कर्ट बनाने वाला हूँ। एक बार वो दोनों कमीने मेरे हाथ आ गए ना, इनकी तो मैं खटिया खड़ी करने वाला हूँ। थैंक यू। गुड नाइट।